से बोले ना जाकर ग्रोसरी कराए, कुछ भी नहीं है घर में खाने को। हाय नीला, मुस्तकीम तो मेरी जरा भी नहीं सुनते। ना मुस्तकीम क्यों सुनेगा भाई तुम्हारी है। हाय हाय, वैसे आजकल तो वो मेरी भी नहीं सुन रहा। पूछो जी आंटी, माजी का मतलब है महमूद साहब। ले सुबह से चार बारी मैं कह चुकी हूँ भाई, जा ग्रोसरी करके आ, लेके आ चीजें, पर उसके बालों वाले कान पे तो सौंप ही नहीं लौटते। ओए सब नहीं, जू जू जुमे तो तेरे सर में है भरी हुई। उफ माजी, मैं तो तंग आ गई हूँ नबील से। पहले बाहर के काम तो कर लेता था, अब तो घर के साथ साथ बाहर के काम भी नहीं करता, साफ इनकार कर देता है। हाँ अंजम, हमारे मियाँ ना बड़े वो हो गए। ये कोजी का मियाँ ठीक है, इसके अशारों पे नाचता रहता है हर वक्त। और तुम लोगों ने बोल बोल के नजर लगा दी है मेरे मियाँ को। तुम दोनों के मियाँ की देखा देखी, वो भी इतने कम गोल कर जाता है। वो तो बल्ला लेके मुझे छतरौल करनी पड़ती है, तो फिर तीन चार दिन कोई सिद्धे निकलते हैं। ये कब तक चलेगा? उधर 15-16 सीन है, मेरे ख्याल से कोई 20-25 मिनट लग जाएंगे। माँ जी, मैं इस एपिसोड की नहीं, इस घर के मर्दों की ढिटाई और काम चोरी की बात कर रही हूँ। वैसे मेरे पास इसका एक बहुत ही अच्छा हल है। क्या हल? ओए हम ना उनको दो ऑप्शन देंगे, या तो वो बाहर जाके नौकरी करें पैसे कमा के लाएं, या फिर घर के सारे काम करें, झाड़ू पोछा खाना बर्तन कपड़े सब कुछ। नहीं तो हम उन्हें कार से बाहर निकाल देंगे, मुक जाएगी रोज की चिक चिक। हाँ, वेरी गुड आइडिया जूजी आंटी। ला यही आइडिया मैं देना चाह रही थी। चलो हम सब लोग अपने अपने मियों को वो सुनाते हैं। चलो फिर मेरी बहनों, और जरा रैम खाने की जरूरत नहीं है। ओए रैम खाने से मेरा पेट नहीं भरता, मुझे परांठे चाहिए। हाँ हाँ, तो जाके कहना अपने मियां नु परांठे बनाए, पर अपने पैसों के। चलो 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 चलो, सुनो, ऑल द बेस्ट। गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, एक धक्का और दो, एक धक्का और दो। ये आप क्या कर रहे हैं इशफाक? खेत में हल चला रहा हूँ। केड़ा खेत तो केड़ा हल इफ्तिखार। अरे नया गेम डाउनलोड किया है मैंने मोमो, पूरा दिन खेती बाड़ी में ना मेरा टाइम गुजर जाता है। मोमो मेरी प्यारी मोमो, कसम से बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सारा दिन थक जाता हूँ मैं। जाओ ना एक ग्लास फ्रेश जूस का बना के ला दो मुझे। बंद करें अपना ये गेम, नहीं तो मैंने आपकी शेम शेम कर देनी है। मुमताज? ना मुमताज की नहीं, आपकी शेम शेम। क्या मुसीबत है यार, ये लो ये रख दिया मोबाइल, अब बोलो। बहुत हो गया अमजद, आप सारे दिन ना अब ऐसे कमरे में गेम नहीं खेल सकते। अरे भाई सारा दिन कमरे में थोड़ा ही खेलूंगा, कभी लाउंज में कभी बाहर लॉन में। नहीं नहीं नहीं, नहीं लॉन में नहीं खेलूंगा, वहाँ वाईफाई नहीं आता। भाड़ में गया ये गेम शेम। आपको अब नौकरी करनी होगी, और जो नौकरी नहीं करेंगे तो घर का सारा काम आप संभालेंगे। अरे हद हो गई है मोमो, अब इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद इतने भारी काम कैसे करूंगा। क्यों जी, इस उम्र में इतना भारा मुंह उठा के फिर सकते हैं आप, तो काम क्यों नहीं कर सकते। मैं बता रही हूँ, मैंने आपको ना ठुडे मार के घर से निकाल देना है। खुद इतना वजन उठा के सारा दिन घर में घूमती है, वो इसको नजर नहीं आता, और मेरा मुंह नजर आ रहा है तुम्हें। क्या हो गया इस औरत को भाई? नवीन, मैं 2 घंटे पहले कमरे से गई थी, तुम इसी तरह लेटे हुए थे, अब मैं वापस आई हूँ, तुम ऐसे ही लेटे हो। तुम सारा दिन लेटे लेटे थक नहीं जाते? जरूर थक जाता हूँ, थक जाता हूँ यार। तुमने अच्छा याद कराया, वाकई थक गया हूँ मैं, थोड़े करवट ले लेता हूँ, ये लो ये। वाह, मैंने आज तक तुम जैसा सुस्त और कामचोर इंसान नहीं देखा नबील। झूठ मत बोलो जानू, महमूद साहब का नंबर पहला आता है काम चोरी और सुस्ती में। बस बहुत हो गया नबील, अब मैं तुम्हें इस तरह घर में पड़े पड़े सोने नहीं दूंगी। जानू तुमने मेरे मुंह की बात छीनी है, मैं खुद भी तंग आ गया हूँ घर में लेटे लेटे। तुम एक काम करो, पापा जी से कह के ना को अच्छे से 5-स्टार में मुझे कमरा ले दो, मैं चाहता हूँ मैं 1 महीना वहाँ रेस्ट करूँ। Shut up नबील, it's decided, या तो तुम अब घर के सारे काम करोगे या जॉब ढूंढोगे, और अगर जॉब नहीं कर रही ना तो सुबह उठते ही
तुम नाश्ता बनाओगे, फिर ग्रोसरीज करोगे, घर की सफाई करोगे और बाहर के भी सारे काम करोगे। बदले में तुम पापा जी से कह के उनकी एक फैक्ट्री मेरे नाम करा दोगी। जी नहीं। तुम चाहती हो कि मैं मुफ्त में तुम्हारा नौकर बना रहा हूँ और मुझे कुछ ना मिले? नहीं मिलेगा तुम्हें। तो ठीक है जानू, फिर इन सब कामों का मिला जुला के कुछ डिस्काउंट भी मैंने डाला तो 50,000 मुझे दे दो। नहीं, तुम्हें बदले में पैसे नहीं बल्कि दो वक्त की रोटी और अपना सर छुपाने के लिए छत मिलेगी। बुरात, ये नाइंसाफी है। शट अप नबील, इट्स नॉट ओके जानू। तुम्हारे पास एक घंटे का टाइम है, डिसाइड कर लो, या तो नौकरी करोगे या घर के काम करोगे। द चॉइस इज योर्स। एक घंटा। या अल्लाह, उठा ले मुझे, नहीं इस जालिम औरत को उठा ले। आमीन, आमीन। मेरी गल तुसी कान खोल के सुन लो जरा। अरे जनाब, आपकी गल सुनते हुए हमें कितने साल हो गए। वैसे इस वक्त बेगम, ईमानदारी की बात है, आपको इस अदबी काम में मुखल नहीं होना चाहिए था। क्या दिल खराश मंजर सफे पे उतार रहे थे हम कि आपने बीच में आके वो इसे कहते हैं कि टांग फंसा देना, ये नहीं चाहिए था। मंजर क्या था जी? मंजर बड़ा ही दिल खराश था। एक नादिम बीवी अपने शौहर के सामने नाक रगड़ रगड़ कर उसके पांव पकड़ कर कह रही थी, सरदार मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी दासी बन के रहूंगी सारी जिंदगी। पर क्यों, बड़ा ही बकवास मंजर लिखा है। क्यों औरत माफी मांगेगी? फाड़ो ऐसे मंजर को, मैंने नहीं ऐसा मंजर कोई भी सुनना। औरत क्यों माफी मांगे भाई, वैसा होता है भला? अरे बेगम, गलती भी तो उसी की थी, उसी पे नादिम थी वो। गल सुनो, अपनी गलतियों की फिक्र करो जरा। ये कागज काले करते करते कभी चार पैसे लाए इन कागजों की वजह से कार में? अजी जी बेगम, भाई चार पैसों से तो बहुत ज्यादा ला कर रखे हैं। भूल गई है, भी दो चार दिन पहले ही हमने ये कागज बेच कर रद्दी वाले को 3200 रुपए लिए थे और सीधे ला के आपकी हथेली पे रख दिए। बस बहुत हो गया मुस्तकीम, अब तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। अरे भाई बेगम, हम शायर आदमी हैं, नौकरी वोकरी हमारे बस का रोग नहीं है। चलो ठीक है, नौकरी नहीं करनी तो ना करो, घर के सारे काम करने पड़ेंगे फिर। भाई घर के काम तो हम वैसे भी करते हैं। अरे ना 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 ना, ऐसे नहीं करने पड़ेंगे। घर का कोना कोना चमकाना पड़ेगा, बाथरूम शीशे की तरह साफ करने पड़ेंगे, पखे उतार के नीचे धो के साफ करके लाने पड़ेंगे। तो जे मुझे ऊपर की जाले नजर आए ना तो तुम्हारी खैर नहीं। अब बोलो, नौकरी करनी चाहिए कि कार का काम? इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिर ला करने वाली बातें हुई है? अब 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 या मेरे मालिक, ये किस मुसीबत में फंसा दिया है इस मिस्कीन को, अब मेरा मतलब है मुस्तकीम को। लोगे हजरात, भाई अहलिया ने हतमी फैसला सुना दिया। वो क्या फरमा रही हैं? या तो घर के कामकाज कीजिए या फिर नौकरी कीजिए। अब बताइए, ये भी को बात हुई? सीधा सीधा बावलापन है ये। हाँ हाँ, बावलापन ही कहूंगा मैं भी, और खूबसूरत भी इसी बावलेपन में मुबतला है। मुझे कहती है इस घर में रहने या नौकरी करो या फिर घर के काम करो। लो भाई, वही बात हुई। ले फिर आपको एक अजीब और गरीब किस्म की बात बताऊं। वो क्या? मोमो ने भी यही कहा है। मुझे लगता है मोमो साहब, ये इन तीनों की मिली भगत है, लेकिन अब हम क्या करेंगे? भाई हम तो घर के कामों से उकता गए हैं, समझिए। अब हमने सोचा है कि हम नौकरी करेंगे। भाई मैं भी नौकरी ही करूंगा। अरे ये रोज रोज की झाड़ पूंछ मुझसे नहीं होती ना भाई। ठीक है भाई, अगर आप दोनों इस उम्र में नौकरी करेंगे तो मैं भी फिर नौकरी ही कर लूंगा जवानी में। लो भाई, फिर तो ये तय आ गया कि कल सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग हम लोग नौकरी की तलाश में निकलेंगे। नौकरी की तलाश में तो निकल ही जाएंगे, लेकिन मसला ये है महमूद साहब कि मेरी तो 12-1 बजे से पहले आंख ही नहीं खुलती यार। हाँ, और आंख खुलने के बाद 1-1.5 घंटा तो और लग ही जाता है ना नाश्ते में। 1-1.5 घंटा? अरे हाँ भाई, अरे 6 पराठों के साथ 4 अंडों का ऑमलेट जब आप खाएंगे तो इतना टाइम तो लगेगा, और बाद में फिर चाय में 6 पापे डबो के जब आप खाएंगे तो 1.5-2 घंटे तो कहीं नहीं गए ना। अगर आप इस कदर बेतहाशा नाश्ते में तखीर करेंगे तो रोज रोज बॉस की झुड़कियाँ नहीं सुनेंगे ना भाई। ना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की झुड़के सुन सकता हूँ, उसके अलावा मैं किसी से नहीं सुन सकता कुछ भी। और मेरा तो गुस्सा वैसे ही बहुत खतरनाक है। फिर आप लोग नौकरी कैसे करोगे? तो नहीं करेंगे भाई, और 2-4 लाख रुपए की खातिर मैं किसी की बातें सुनूंगा ना? अरे ये 2-4 लाख तुम्हें देगा कौन? महमूद साहब, आपको ना मेरी वर्थ का बिल्कुल आइडिया नहीं है यार। तो मैं सोच लिया यार, मैं ना हंसी खुशी घर के काम ही कर लूंगा। हाँ,
हाँ ये ठीक है। अरे भाई मिल बांट करना, घर के काम काज कर लिया करेंगे। लो भाई हजरात, हमारी बात गौर से सुनिए। आइए अंदर चल के अपना फैसला अपनी बेग बात को सुनाते हैं। तशरीफ लाइए, आ जाइए अंदर ही है मेरा। चलो आइए, तशरीफ लाइए, कदम रंजा फरमाइए। आइए जी। तो फिर क्या सोचा आप लोगों ने? जानू सोचना क्या है, घर के काम में खुशी खुशी कर लूंगा भाई। मुझे पता था नौकरी तो तुम कभी भी नहीं करोगे नबील। जानू ये तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तुमसे ज्यादा दूर रहने की आदत नहीं है ना। ज्यादा देर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हारी जुदाई। और जानू तुम ये भी जानती हो कि मैं तुमसे दिन में 50 दफा शट अप नबील ना सुनूं तो मुझे सांस अच्छी तरह कहां आती है। शट अप नबील, ये देखा जानू। थैंक यू जानू। ना तो आपका क्या फैसला है शाह? भाई मैं इस उम्र में कहां धक्के खाता फिरूंगा भाई, घर के काम औखे सौखे होके कर ही लूंगा। और तुसी भी दसो जी की सोचे तुसी फिर? भाई हम तो नौकरी के लिए बिल्कुल तैयार थे, फिर हमने बैठकर सोचा कि आपको तो हमारे हाथ की बनी हुई चाय की आदत है, हर घंटे में अगर आपको एक कप चाय ना मिले तो आपको सुकून नहीं आता। भाई फिर हमने नौकरी करने का ख्याल बिल्कुल रद्द कर दिया, वरना नौकरी तो हमें खड़े खड़े मिल जाती। वो जो आपको खड़े खड़े मिलती वो नौकरी होती? जी। अच्छा तो ठीक है, अब तुम हाथ हरामों ने फैसला कर लिया है कि तुम लोगों ने नौकरी नहीं करनी, तो अब तुम लोगों ने घर के सारे काम करने, मुस्तकीम घर के सारे बाथरूम आप धोएंगे। और मेरे मुस्तकीम साहब, आपने पूरे घर का झाड़ू ते पोचा करना है चंगी तरह। जी जी, जो हुक्म। और तुम नबील, आज से घर का किचन तुम संभालोगे, तीनों वक्त का खाना, चाय, स्नैक, बर्तन सब तुम्हारे हवाले। जानू माशाल्लाह कितनी प्यारी और जहरीली लग रही हो इस वक्त। मेरा ख्याल है कि टाइम जाया किए बगैर आओ चल के काम शुरू करते हैं। जी जी, चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए। इस घर की खवातीन ने तो जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, इतना जुल्म तो हमारे नॉवेल की सास भी नहीं करती। अरे यार मैंने तो सोचा था कि चलो घंटे दो घंटे में घर का काम करके फारिग हो जाएंगे, याशी करेंगे। अरे इन्होंने तो सारे के सारे काम हम पे डाल दिए यार। महमूद साहब, बर्तन धो दो के मेरे खूबसूरत हाथ जो ना देखे कैसे हो गए यार, कड़े कड़े मेरी तो कमर रह गई है। नबील तुम्हारी कमर तो बहुत पहले रह गई थी यार। महमूजा वो तो बहुत पहले था ना, फिर ठीक हो गई थी। अच्छा। अरे भाई हम तो अपना दुख बयान भी नहीं कर सकते, जिन हाथों में कलम होना चाहिए था उन हाथों में झाड़ू पकड़ा दी इन्होंने जालिमों ने। भाई कुछ जोजी बेगम से पूछे कि अब झाड़ू हाथ में लेके हम कौन सा इनकलाब ला सकते हैं। मुस्तकीम साहब, इनकलाब तो हम ला सकते हैं, बल्कि इनकलाब लाना होगा। अरे भाई कैसा इनकलाब? अरे मुस्तकीम साहब, ये जरूरी नहीं है कि हर बात ऑडियंस को पहले बता दी जाए। चले जी चल के अगला सीन देखें आप लोग। वैसे जोजी आंटी, आपका आइडिया कमाल का था। ओ, ये तो कह रही थी कि ये आइडिया इसका अपना है। नहीं, आइडिया मेरा ही सी। अभी तो आगे आगे देखो मैं इनके साथ करती क्या हूँ, ऐसा बंदोबस्त करूंगी कि तीर की तरह सीधे ना हुए। जी आप लोग तीनों बगैर बताए कहाँ चले गए थे? अभी तो सारे घर के काम पड़े, रात का खाना भी तैयार नहीं हुआ। ओए तो ये हार हूर किस खुशी में पहने हुए तुम लोगों ने हैं? आप बताइए ना। ठीक है हम बताते हैं। जी अर्ज किया है, ये शादी की खुशी में पहने हुए हैं हार। खुशी 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 खुशी। किसकी शादी की खुशी में? अपनी शादी की खुशी में जानू, हम तीनों ने निकाह कर लिया। खुश
ओए आप तीनों ने ये क्या कर दिया है? अरे भाई हम कब तक इसका घर के काम करते, हमें भी तो दुख सुख के लिए कोई साथी चाहिए था ना। तुम लोग तो हर वक्त हम पे हुक्म चलाती रहती हो ना भाई, हमारी नई बीवियां जो है वो हमारा काम में हाथ बटाएगी ना। हाथ क्या बटाएंगी, वो तो हमें काम करने भी नहीं देंगी। अरे रिजवाना बेगम तशरीफ ले आइए। अरे शिबाना डार्लिंग मैं तो कहता हूँ तुम भी आ जाओ, आ जाओ। मैं तो कह रहा हूँ फरजाना तुम भी आ ही जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपको दूसरी वो करते हुए शर्म नहीं आई? अरे नहीं आई भाई, ये लोग घर के कामों में हमारी मदद करेंगे। मदद क्यों सरताज, मैं तो आपको किसी भी काम में हाथ लगाने नहीं दूंगी। बिल्कुल, मैं भी जी, मैं भी। ओए तुम तीनों को तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद करोगे। बड़ा शौक हो रहा है ना काम करने का, आओ मेरे साथ जरा। जो जी ज्यादा काम ना करवाइएगा, नहीं नवेली दुल्हन है। हां कुछ ख्याल कीजिए थोड़ा सा है ना। ये तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो और मेरे मेकअप को क्यों हाथ लगा रही हो? वो मैं अपने कमरे की सफाई कर रही थी ना, तो मैंने मेकअप भी यूज कर लिया। अपना कमरा? जी, अब तो मिल बांट के ही रहना है ना बाजी। बाजी तुम्हें पता है नबील किस कदर घटिया और निकम्मा शख्स है? जी जी बिल्कुल पता है, माशाल्लाह से बड़े घटिया और निकम्मे हैं। पर क्या करूं, धुआं में देख के ना उनसे धुआंधार मोहब्बत हो गई थी मुझे। तुम अपनी ये मोहब्बत लेकर ना बाहर जाओ, ये कमरा मेरा है। अब तो शादी हो गई है ना मेरी नबील से, तो हर चीज पे आधा हक मेरा है, इस कमरे पे भी और इस मेकअप पे भी। तुम्हें कुछ पता भी है नबील के बारे में? उसे क्या, बल्कि सारे घर वालों को मेरे पापा पालते हैं। हाँ तो मुझे भी पाल लेंगे ना, क्योंकि मैं तो इस घर से कहीं भी जाने वाली नहीं हूँ। जिंदगी भर यहीं रह के ना अपने शौहर की खिदमत करूंगी। तुम चाहो तो जा सकती हो। मैं क्यों जाऊंगी, ये घर मेरा है बहन। देखो साथ रहना है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा जी। तुम्हें शादी करने के लिए एक नबील ही मिला था पूरी दुनिया में? नहीं नहीं, जमील और अदील भी मिले थे, लेकिन वो बुलबुले में नहीं आते थे ना, इसलिए नबील से कर ली। अच्छा प्लीज अभी निकल जाओ मेरे कमरे से, फौरन इसी वक्त। कम ऑन गेट आउट। नहीं तू क्या कर रही है इधर, चल ना इधर से। अरे अरे ऐसा नहीं चलेगा बहन, अब ये कमरा मेरा भी है, अब हम दोनों मिलके प्यार से आपस में रहेंगे ताकि मुस्तकीम को कोई परेशानी ना हो। और बाहर में गई तू ते तेरा मुस्तकीम, ये मेरा कमरा इधर मैं ही रहूंगी, समझ आई है? अरे फिर मेरे मुस्तकीम साहब कहाँ रहेंगे? वो भी अत्थे ही रहेंगे मेरे साथ। नहीं जी नहीं, अब वो मेरे बिना कहीं नहीं रहने वाले। देखो इसीलिए बता रही हूँ, एक दिन मैं और मुस्तकीम साहब बेड पे सो जाएंगे, तुम जमीन पे सो जाना, और एक दिन मैं और मुस्तकीम साहब जमीन पे सो जाएंगे, तुम बेड पे सो जाना। नहीं ज्यादा चलाको मासी ना बन मेरे साथ, मैं भी जोजी बेगम हूँ, जोजी बेगम। देखो बहन अगर हम दोनों आपस में प्यार से रहेंगे ना तो दुनिया मिसालें देगी हम दोनों की, सोशल मीडिया पे हम खूब मशहूर हो जाएंगे, फिर निदा यासिर अपने शो में बुलाएगी, बहुत मजा आएगा। मैंने नहीं जाना किसी मॉर्निंग शो में, वैसे भी मुझे नाचना नहीं आता। अरे उसकी तो तुम फिक्र ही नहीं करो, वो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। दूध लाना भूल गई आप? और दूध किसके लिए? वो मेरी नई नई शादी हुई है ना, तो मुझे लगा कि आप मेरी दूध पिलाई की रस्म पूरी करेंगी। तो मैं तेरी जहर पिलाई की रस्म ना कर दूं डैन चुड़ैल कहीं की? नहीं नहीं आप कुछ ना करें अम्मा जी। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे अम्मा जी कहने की, मुझसे 2-4 साल बड़ी होगी तू डैन, बता किसका कलेजा खा के अभी तक तू जिंदा है? मैं तो सोच रही थी हम दोनों प्यार से रहेंगे मिलजुल कर। ओए अग लगे तेरे प्यार को, मेरा बस चले ना तो मैं अभी अभी तुझे वो दिलवा दूं। वो क्या अलग घर? ओए नहीं वो नहीं, वो जो शोहर बीवियों को देते हैं वो। हक महर? ओए हक महर नहीं वो। छोड़े ना बाजी, देखिए मिलजुल कर रहते खामखा का झगड़ा ना करे, अभी मैं नई नई दुल्हन हूँ, ऐसा ना हो महमूद साहब गुस्से में आकर आपको तलाक दे दे। तलाक तलाक तलाक, आपके 3 बार कहने से मुझे तलाक नहीं होगी। चुप है, मेरा मतलब है मैं तुझे तलाक दिलवा के रहूंगी, चल दफा हो जा, दफा हट, दफा मर उधर पर, ये जुतियां पकड़ अपनी। हजरात आपने एक चीज मुलाहिजा फरमाई, निकाह की बरकत से घर का माहौल कितना खुशगवार हो गया और साथ ही रोमांटिक भी हो गया, इतना रोमांटिक
कि आप दोनों हजरात सामने बैठे हुए जहर लग रहे हैं इस वक्त। अरे एक चीज और मुलाहिजा फरमाइए, हमारी पहली बीवियों ने जरा भी एहतजाज नहीं किया। अरे कितनी खामोशी से हमारा निकाह एक्सेप्ट कर लिया है। अरे महमूद साहब मुस्तकीम साहब, ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है समझे। अरे भाइयों, आप लोग भूल गए क्या कि आप लोगों की बीवियां कितनी जालिम और जाबिर है। आपकी बड़ी बीवी ने फिक्र दुरुस्त फरमाइएगा, बहुत बड़ी बेगम कहिएगा। जी जी वही, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया। कहती है आप पर और उस कमरे पर मेरा कोई हक नहीं है। भाई बहुत ही कबीह हरकत कर दी उन्होंने, निहायत घटिया बात की, बहुत घटिया। खैर जो भी कहती हैं उनको कहने दीजिए, उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, क्योंकि वो जेलस है ना आपके हुस्न से। मोमो बाजी भी बहुत खफा है मुझसे, और तो और उन्होंने धमकी भी दी है कि तलाक दिलवाएंगी मुझे। अरे वो तो कब का कह के भूल चुकी होगी तुम्हें, है? तुम परेशान मत हो। खूबसूरत भी बहुत ही घमंडी किस्म की औरत है, कह रही थी कि आप जैसे निकम्मे और घटिया तरीन इंसान से शादी कैसे कर ली मैंने। वो तो इसलिए कह रही होगी, वो चलती है ना तुमसे मेरी नई वाली जानू। पर ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम रहेंगे यहाँ कैसे। अरे भी बहुत ही आसान नुस्खा है, आप उनके दिल जीतने की कोशिश कीजिए। हाँ आप लोगों को दिल तो जीतना होगा, क्योंकि मिलजुल के हमने सबने इसी घर में रहना है। पर दिल जीतने के लिए हम करें क्या? ये करना क्या है भाई, कनीजे बन जाओ उनकी कनीजे, उनका हर काम अपने जिम्मे ले लो। अरे उन्हें डिसेबल कर दो, अपाहिज कर दो उन्हें, और उनकी इतनी खिदमत करो, इतनी खिदमत करो कि आए आए आए, आए। बल्कि कनीजे ना बनो, अपने अपने सरताज की दासियां बन जाओ दासियां। मुस्तकीम साहब आपकी ख्वाहिशों के सदके मैं कुर्बान। वाह वाह वाह, शक्ल देखो और ख्वाहिशें देखो जरा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। और बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। दिल को बांध के रस्सी चलता जा रे चलता जा रे। चिकने चिकने चेहरे भैया, चुपड़ी चुपड़ी बात करे ये तुझसे सारे। कोई कितना लुभाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। यार मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही भाई, तुम तीनों औरतें किसी हाल में भी खुश होगी? अरे घर के कामकाज का कहा था ना तुमने, अब देखो कैसे मिलजुल कर सारे घर के काम हो तो रहे हैं। कुछ ज्यादा ही मिलजुल के हो रहे हैं, कभी मेरे साथ तो आपने मिलजुल के झाड़ू नहीं लगाया। और तुम नबील, मेरे साथ तो कभी डस्टिंग नहीं की तुमने। भाई हम तो अपनी चांद हमारा मतलब है नई नवेली दुल्हन का हाथ बैठा रहे थे, लेकिन लुत्फ बहुत आया भाई। अल्लाह रुत्फ गया पर चांद आई है। मैंने ना ये तुम्हारा सारा लुत्फ निकाल देना है। मुस्तकीम शर्म नहीं आई तुम्हें? अरे भाई अपनी छोटी बेगम का हाथ बटाने में कैसी शर्म। आप लोगों ने पहले तो अपनी बीवियों की कभी हेल्प नहीं की घर के कामों में। भाई वो इसलिए कि तुम लोगों ने कभी सीधे वो हम लोगों से बात ही नहीं की। वो बेचारियां तो जी जान से तुम लोगों की खिदमत भी कर रही है। चुपे, ये खिदमत तुम लोग तो कर सकते थे ना, बीवियां लाने की क्या जरूरत थी। अरे भाई चलो अब आ गई है तो मिलजुल कर गुजारा कर लेते हैं। गुजारा करती है मेरी जुत्ती। मैं तुम लोगों को तीनों को कह रही हूँ, अभी और इसी वक्त उन तीनों को तलाक दे दो। भाई हम तो किसी कीमत तलाक नहीं देंगे, हमें जिंदगी में पहली बार तो बीवी का सुख नसीब हुआ। मैं भी बिल्कुल नहीं दूंगा तलाक, मुझे तो पहली बार पता चला है कि बीवी डाइन नहीं डार्लिंग भी होती है। भाई मैं तो तलाक देने का सोचूंगा भी नहीं। अरे मुझे ना उसकी खिदमत की आदत पड़ गई है, मैं अब उसके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता ना। ये आपका आखिर
आखिरी वो है अफ्तखार। वो क्या? फैसला। तो फिर हमारा भी फैसला सुन ले आखिरी। ते गज बज के सुन ले। हमें ऐसे शोहर नहीं चाहिए। तेरा शुक्र है मेरे मालिक। मुस्तकीम मैं बाथरूम गई थी, पानी मुक गया। जाओ जाके टैंकर वाले को लेके आओ। नबील तुम अभी तक बिस्तर में लेटे हो, जाओ जाके ग्रोसरी करके आओ। इश्फाक आज ना मुझे बड़ी भूख लग रही है, तो आज आपने 6 पराठों की जगह 8 पराठे बनाने मेरे लिए। अभी क्या जानू, अभी जाता हूँ जानू, बिल्कुल लेके आता हूँ जानू, जल्दी करो। जॉजी बेगम जो आपका हुक्म अभी बजा लाते हैं। ठीक है चलो। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। बबल बनाते चलते।